हेलो एस्पिरेंट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाव क्रैक नाव पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ बच्चों आपका रिस्पांस काफ़ी उत्साहित कर रहा है हमें हमारे इस प्रोग्राम को लगातार और एनर्जेटिक और एक जो हमारे पास नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर करने के लिए क्योंकि आप लोग बड़ी संख्या में हमारे इस प्रोग्राम के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं जुड़ रहे हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जोड़ रहे हैं तो यह प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का महत्व इसी बेस पर है कि अधिक से अधिक लोग हमारे इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो पाए तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल स्टडी जोन में शेयर कर दिया कीजिए इस परिवार को बढ़ाइए क्रैक नाउ आपका परिवार है आप हम बढ़ेंगे आप बढ़ेंगे तो विकास दोनों ओर से सुनिश्चित होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने और उस क्वेश्चन के पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट इसमें हो सकते हैं आप अपने सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने आंसर में लिख कर आप हमें अपनी जो आ, आर्ट ऑफ राइटिंग है उससे रूबरू करवाते हैं ताकि आपके अंदर जो कमियाँ हैं लिखने के पैटर्न में कमी है उसमें सुधार कर सकें तो बेसिकली यह जुड़ाव दोनों तरफ से है बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ यह इंटरेक्शन करके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने स्टडी जोन अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रह दिया रहता है जिसपे आप जुड़कर अपने आंसर को टेलीग्राम पे सबमिट कर सकते हैं विद इन सेवेंटी टू आवर्स आपको आपका रिव्यू मिलेगा और किस तरह के सुधार आपको करने हैं आपको सारा चीज़ उसमें बताया जाएगा इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार हमें रिक्वेस्ट करके रिगार्डिंग टीचर से उस सब्जेक्ट पे उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन के पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं इसके अलावा आप हमारे जो एप्लीकेशन हैं वेबसाइट है उस पर कनेक्ट होकर जो विभिन्न हमारे फ्री मॉक टेस्ट हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना जो एक स्तर है अपना लेवल है एग्जाम का उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस रूप में जा रही है तो क्रैक नाव के नाम से हमारा एप्लीकेशन है वेबसाइट पे आप जाएंगे क्रैक नाव डॉट को डॉट इन तो आपको हमारा वेबसाइट मिलेगा वहाँ पे अपने आपको रजिस्टर कीजिए और आपको फ्री में बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे पढ़ने के लिए आप उसे पढ़िए और अपनी इस सफलता को सुनिश्चित कीजिए हमारे कंटेंट द्वारा तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन है बिहार जैसे राज्यों के लिए संघवाद पर भारतीय संविधान में हाल के संशोधनों के नेतार्थ पर चर्चा करना है तो भारतीय संविधान में हाल के जो संशोधन हुए हैं उसमें बिहार राज्य के लिए जो संघवाद पर प्रभाव है वह किस प्रकार से प्रभाव डालता है उसके संदर्भ में हमें एक चर्चा करनी है तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वह बेसिकली आपके रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं जो राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है उसको किस आधार पर प्रभावित कर सकते हैं उसके संदर्भ में हमें चर्चा करनी है चूँकि यहाँ पर आपको जो संशोधन हुए हैं उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करना है लेकिन उसका असर कैसे कैसे पड़ेगा किस क्षेत्र पर पड़ेगा उसके संदर्भ में हमें चर्चा करनी है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हाल ही में जो संशोधन हुए हैं उसका वित्तीय पर क्या प्रभाव पड़ता है संसाधनों के आवंटन पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रशासनिक शक्तियां किस प्रकार से प्रभावित होती हैं और इसके अलावा जो विभिन्न जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वह किस प्रकार से उभर कर सामने आता है वह कैसे प्रभावित होता है उसके संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे फिर अंतर्राज्य संबंध दो राज्यों के मध्य क्या संबंध पड़ता है इस प्रकार के संशोधन से और न्यायिक और कानूनी ढांचे किस प्रकार प्रभावित होते हैं क्या बदलाव होते हैं और नीतिगत नीतार्थ इसके क्या हैं इसके संदर्भ में हम अपने आंसर की कड़ी जो है उसको जोड़ेंगे तो देखते हैं हम कि जो वित्तीय हस्तांतरण होता है वह कैसे प्रभावित करता है तो जो हालिया संशोधन है उसमें वित्तीय हस्तांतरण जो है वह कर व्यवस्था जो एक कर साझा व्यवस्था होती है कि सरकार टैक्स कलेक्ट करती है कुछ जगहों पर केंद्र कलेक्ट करती है और उसको आवंटित करती है राज्यों में तो यह किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं तो कर साझाकरण व्यवस्था अनुदान व्यवस्था जो सहायता अनुदान जो ग्रांट और एड राशि दी जाती है किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए वह कैसे प्रभावित होते हैं क्योंकि तो प्रभाव पड़ता है अगर केंद्र और राज्यों के मध्य जो है एक उचित संबंध नहीं रहा या फिर टसल चलता रहा तो वहां पर जो विकास की गति है वह अवरुद्ध हो जाती है तो कर साझाकरण जो व्यवस्था है वह कैसे प्रभावित होती है सहायता अनुदान जो है वह और राजकोषीय जो स्वायत्तता है उसमें परिवर्तन सीधे तौर पर राज्य को फेस करने पड़ते हैं संसाधन का अगर आवंटन हम देखें तो संसाधन का आवंटन इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में परिवर्तन और कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण राज्यों के आर्थिक गतिविधियों और राजस्व जो सृजन की क्षमता है राज्यों की वह प्रभावित हो सकते हैं इस संशोधन के माध्यम से विविध प्राकृतिक संसाधनों वाले राज्य बिहार के लिए ऐसे परिवर्तन जो है महत्वपूर्ण होते हैं वह काफी आर्थिक जो एक इम्पोर्टेंस है आर्थिक भावना है उसको प्रभावित कर सकते हैं इसके अलावा प्रशासनिक शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम देखें तो प्रशासनिक शक्तियाँ शासन संरचनाओं या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें बदलने वाले संशोधन नीति कार्यान्वयन नियामक ढांचा जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है नियामक ढांचे होते हैं और स्थानीय शासन में राज्यों की जो स्वायत्तता है उसको प्रभावित कर सकते हैं जैसे प्रभावी शासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्टता महत्वपूर्ण है खास करके जो शिक्षा स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में बिहार के लिए जो प्राथमिकताएं हैं वह यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं तो अगर संबंध जो है इस रूप में प्रभावित नहीं हुए और संशोधनों के माध्यम से इसको प्रभावित करने का प्रयास किया गया तो टसल की स्थिति उत्पन्न होती है केंद्र और राज्यों के माध्यमें तो यह हमारा पॉइंट है बेसिकली और देखें तो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है कि राजनीतिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जो तंत्र है उसमें परिवर्तन जैसे संसदीय सीटों में बदलाव कहीं पे सीटों की संख्या ज़्यादा है उसको कम कर देना या फिर सीटों की संख्या बढ़ा देना या ये विधायी प्रक्रियावाद का एक भाव एक भावना है इसमें राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के राजनीतिक प्रभाव जो है वह प्रभावित हो सकते हैं जो राष्ट्रीत राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के जो राजनीतिक प्रभाव हैं वह प्रभावित हो सकते हैं बिहार जो है वह इसके साथ ही जो जनसांख्यिकी और अक्सर राष्ट्रीय निर्माण लेने वाले जो मंचों पर न्याय संगत और प्रतिनिधित्व जो बिहार चाहता है वह प्रभावित हो सकता है यह संसाधन यह संविधान संशोधन के माध्यम से तो ये पॉइंट है इसके अलावा अंतर राज्य संबंध किस प्रकार से प्रभावित होते हैं एक राज्य का दूसरे राज्य जैसे बिहार है बिहार से सटे हुए राज्य पश्चिम बंगाल है उत्तर प्रदेश हैं तो जो अंतर्राज्यीय संबंधों में सहकारी संघवाद यह पहल विवाद या समाधान तंत्रों को प्रभावित करने वाले संशोधन राज्यों के बीच सहयोग संसाधन आवंटन संसाधन साझाकरण और समन्वय को प्रभावित कर सकते हैं पड़ोसी राज्यों के साथ बिहार की बातचीत क्षेत्रीय विकास पहल और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अक्सर राज्य सीमाओं के सहयोग की, की आवश्यकता होती है तो अगर इस प्रकार का किसी किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो उसे तो ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि यह इस प्रकार से भी प्रभावित हो सकता है तो आपके जो है अंतर्राज्यीय संबंध इस रूप में प्रभावित होते हैं इसी तरह आपके न्यायिक और कानूनी ढांचे जो राज्यों के हैं जो विषय उनके हैं वह भी प्रभावित होते हैं और अगर नीतिगत नितार्थ की बात करें तो संशोधनों में बिहार जैसे राज्यों के लिए प्रासंगिक विशिष्ट नीतिगत नितार्थ भी हो सकते हैं जैसे जो विभिन्न प्रकार के सुधार हैं औद्योगिक नीतियाँ हैं सामाजिक न्याय व उपाय और पर्यावरणीय नियम हैं ये अभी प्रभावित होते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सहकारी संघवाद की भावना है उसमें अगर परिवर्तन करना है तो यह सब बातों को कंसीडर करते हुए उस परिवर्तन को किया जाना चाहिए तो यह सारी चीज़ें हैं जो एक संघवाद पर असर डालती है जिसमें प्रशासनिक चीज़ों पर असर पड़ता है वित्तीय संसाधनों के आवंटन आवंटन पर असर पड़ता है जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उस पर असर पड़ता है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संघवाद पर प्रभावित होती हैं इस संशोधन के माध्यम से अगर किसी प्रकार का संशोधन बनाया जाता है तो।, तो इस प्रकार से निष्कर्षता अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में हाल के संशोधनों का संघवाद शासन संरचनाओं संसाधन आवंटन और बिहार जैसे राज्यों की प्रभावित करने वाली नीतिगत ढांचे पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है इस रूप में एक जो कंसर्न है वह उभर कर सामने आता है इसके अलावा राज्य सरकारों केंद्र सरकारों जो अंतर सरकार हैं उनके मध्य जो है बारकी से निगरानी करना राज्यों के हितों की वकालत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करना कि संघवाद स्वायत्तता और समान विकास के संवैधानिक सिद्धांतों को राष्ट्रीय ढांचे में बरकरार रखा जाए तो इसकी आवश्यकता है कि किसी प्रकार के जो राष्ट्रीय हित हैं राजकीय हित हैं वह इस रूप में प्रभावित ना हो कि विभिन्न प्रकार के टसल क्रिएट हो पाए तो यह आपके क्वेश्चन का एक आउटलाइन था अपने शब्दों में इस को लिखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उस लिंक पर क्वेश्चन को भेजिए हम विद इन सेवेंटी आवर्स आपके आंसर का रिव्यू करेंगे और आपको चीज़ों को बताएंगे कि किस प्रकार से आप में सुधार होना चाहिए क्या पॉइंट कमी है और किस आपका जो लेवल है कितना इम्प्रूव हुआ है जो पुराने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ तब तक हमें दीजिए विदा तो थैंक यू थैंक यू सो so मच